गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट चैप्टर 7 पार्ट 2 क्लास 7 इंग्लिश। पिछले चैप्टर पार्ट में मैंने क्या बताया था कि जो वंका जो ये जो वैज्ञानिक थे साइंटिस्ट वंका, उन्होंने बहुत सारे पेड़ या पुराने जो भी एनिमल्स थे, बहुत बूढ़े मतलब बहुत पुराने पुराने जो एनिमल्स थे, है ना, जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो उनसे कुछ ना कुछ उन्होंने कलेक्ट किया था। सेकेंड पार्ट में उन्होंने ये देखते हैं कि इसका क्या किया है ना। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वंका वेंट ऑन। अब यहाँ पे चार्ली से बात करते हुए पूरे जब कलेक्ट हो गए, तो सभी में से जो उन्होंने किया अपनी बात को मतलब कंटिन्यू रखे और आगे कहते हैं, आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एसेंट एनिमल्स एंड टुक एन इम्पोर्टेंस लिटल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। अब यहाँ पे मिस्टर वंका जो होते हैं वो चार्ली से बताते हैं कि मैंने जो भी मतलब बहुत पुरानी चीज़ों में से कुछ ना कुछ मैंने कलेक्ट किया, जैसे एनिमल से जितने भी ओल्ड एनिमल्स थे या जो भी कुछ, उसमें से मैंने कोई ना कोई चीज़ें कलेक्ट की और उसका मैंने कुछ ना कुछ किया है ना, कुछ ना कुछ उससे पार्ट ले लेके फिर उससे कुछ किया। तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल बताया, हेयर और एन आईब्रो और समथिंग, समटाइम्स इट वॉज नो मोर देन एन आउंस और टू ऑफ द जैम स्क्रैप फ्रॉम बिटवीन इट्स टोज वाइल इट वॉज स्लीपिंग। तो ये बताते हैं कि मैंने जैसे उसमें से कभी उसमें से हेयर ले लिया किसी के आईब्रो ले लिए, और कभी कभी मैंने उसमें से जो मतलब टो होते हैं ना पैर के अंगूठे, उसके जो परत जमी हुई रहती है उसमें से मैंने ले लिए है। जब कब लिए? जब एनिमल सो रहे होते हैं ना उसमें से, तब उसने कुछ ना कुछ पार्ट लिए। किसके लिए लिए? एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना, कुछ नया करने के लिए। तो उसके बाद कहते हैं कि जैसे कुछ एनिमल्स भी बताते हैं, द आई ट्रैक डाउन द विस्टल पिक द बॉबलिंग द स्क्रॉक्ट द पॉलीफ्रॉग द जेंट सर्कुली सर्क्यू द स्टिंगिंग स्लग एंड द वेनमस स्क्वाइलिस हु कैन स्पाइट पॉइजन्स राइट इन टू योर आई फ्रॉम 50 years away। इन्होंने कहा कि ये सब तो हमने लिया इन सब एनिमल्स के, लेकिन इसमें से एक ऐसा पॉइजनस स्क्वेलस है जो बहुत दूर, अगर आप किसी 50 yards भी दूर पे रहते हो ना, फिर भी वो अपने पॉइजन को सीधे आपके आईज में डालने वाला, इतना जहरीला वो एनिमल है। बट देयर्स नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ। लेकिन आगे कहते चार्ली, अभी मेरे पास तुमको और कुछ इसमें से बताने के लिए टाइम नहीं है ज़्यादा, लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड। फिर कहते हो गया मैंने अभी मतलब कि ये और सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, लेकिन जल्दी से मैं एक चीज़ और बताता हूँ लास्ट में। आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम, कहते हैं कि मैंने बहुत सारे बॉइलिंग के बाद, उसमें बबलिंग आने के बाद, बहुत सारी उसमें मिक्सअप करने के बाद और टेस्टिंग के बाद, एक मेरे जो इन्वेंटिंग रूम है उसमें से एक नतीजा निकलता, वो क्या था, आई प्रोड्यूस वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड। उनको क्या प्रोड्यूस किया, उनसे बॉइलिंग करके, टेस्टिंग करके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसमें से करके, उन सारे चीज़ों से जो उन्होंने कलेक्ट किया था, है ना, तो क्या मिला उनको, एक कप, छोटे कप में एक ब्लैक कलर का ऑयली लिक्विड उनको मिलता है, जो एंड फोर गिव फोर ड्रॉप ऑफ इट टू अ ब्रेव 20 years old ओम्पा लुम्पा वॉलेंटियर टू सी व्हाट हैपन। तो उन्होंने उसी में से जो उन्होंने लिक्विड निकाला था ब्लैक कलर का, तीन चार बूंद उसने क्या किसको दिया, एक 20 years के इंसान को दिया, उस इंसान का नाम था ओम्पा लुम्पा, है ना, ये एक वॉलेंटियर थे, वॉलेंटियर मतलब जिन्होंने अपने स्वेच्छा से ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने ऊपर आए थे उनके पास, है ना। और ये उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि इससे होता क्या है, जो मैंने नई चीज़ बनाई है इससे क्या होता है। What did happen? Charlie asked. अब ask यहाँ पे जो चार्ली होता है वो पूछता है कि फिर क्या हुआ इसके बाद। It was fantastic, cried Mr. Wonka. अब यहाँ मिस्टर वंका जो होते हैं हंसने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं इसमें तो बहुत मज़ा आ गया था। The moment he swallowed it, जैसे ही उन्होंने इसको पिया, he began wrinkling and swirling up all over and his hair started dropping off and his teeth started falling out and before I know it, कहते हैं कि जैसे उन्होंने उसको पिया तो क्या हुआ, उनके तुरंत उनके जो फेस पे है पूरे झुर्रियाँ आने लगी, झुर्रियाँ दिखने लगी, वो कैसे कांपने लगे, ऑल ओवर पूरे तरह से उनकी बॉडी जो है कांपने लगी, जो हेयर थे उनके वो झड़ने लगे और जो टीथ थी वो भी बाहर आने लगे, गिरने लगे। और बिफोर मतलब मैं इससे पहले इस चीज़ को समझ पाता, ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75 एंड दस माई डियर चार्ली वॉज वीटा
बंग का इन्वेंटेड। तो कहते हैं कि इसके बाद में कुछ समझ पाता, इससे पहले वो क्या बन चुके थे, एक 75 ईयर के बुढ़े इंसान बन चुका था वो इंसान। एक वो कितने साल का था जब उसने दवाई लिया था, 20 का, और दवाई लेने के बाद वो 75 का हो चुका था, है ना। तो इन्होंने कहा कि मिस्टर चार्ली मैं इस तरह से किस चीज़ का आविष्कार किया, वीटा विंका का, है ना, एक दवाई का इस तरह से जो बूढ़े होने के लिए ये दवा थी। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट, अब नेक्स्ट टाइम आपको इसका सोल्यूशन देंगे, है ना। थैंक यू।